जगदलपुर छत्तीसगढ़ के सुकमा में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 17 जवान शहीद हो गए हैं। करीब 20 घंटे से लापता हुए 13 जवानों के शव भी पुलिस ने रविवार दोपहर करीब 2:30 बजे बरामद कर लिए हैं। वहीं 3 जवानों के शहीद होने की पुलिस पुष्टि उच्च अधिकारियों ने देर रात तक कर दी थी। शहीद जवानों में 12 DRG और 5 STF के बताए गए हैं। वहीं नक्सली 12 AK-47 सहित 15 हथियार भी लूट कर ले गए हैं। बस्तर IGP सुंदरराज ने इसकी पुष्टि की है। एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने जवानों को फंसाया। पुलिस को कसाल पाड़ इलाके में बड़ी संख्या में नक्सलियों के जमा होने की खबर मिली थी। इसके बाद DRG, STF और कोबरा के 550 जवान शुक्रवार को दोरनापाल से रवाना की गई थी। बताया जा रहा है कि जवान नक्सलियों को सरप्राइज एनकाउंटर में फंसाना चाह रहे थे, लेकिन जवानों के जंगलों में घुसने की खबर पहले ही नक्सलियों तक पहुंच गई थी। नक्सलियों ने रणनीति के तहत जवानों को जंगलों के अंदर तक आने दिया और उसके बाद जवानों को शहीद कर दिया। कल सुकमा जिला के बुरकापाल क्षेत्र में मिनपा और कोराज डोंगरी के बीच के जंगल में DRG, STF और कोबरा का और नक्सली के बीच में काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुई है। करीबन 3 घंटे तक चली इस मुठभेड़ में हमारे जो जवान ने काफ़ी मुँह तोड़ जवाब दिया नक्सली को। संभवतः नक्सली का PLGA बटालियन ग्राउंड का फॉर्मेशन थे और घटना के पश्चात उसमें हमारा जो 15 जो जवान घायल थे उनका कल शाम को हमने इवैक्यूएट करके उनका रायपुर में इलाज के लिए एडमिट किया थे। 17 जवान से कल संपर्क नहीं हो पा रहे थे, आज उसके लिए सर्च अभियान सुबेरे से जारी किए गए थे। उसमें सुबेरे जो मिनपा जंगल के आसपास 17 हमारा जवान को पार्थिव शरीर बरामद किए गए थे और जितना हमको इनपुट मिल रहा है, जितना फीडबैक मिल रहा है, उसी अनुसार कल जो मुठभेड़ हुई थी उसमें DRG और STF और कोबरा के जवान काफ़ी मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है। उसमें नक्सली का भी कम से कम 8 से 10 जो कैडर का उसी स्पॉट में डेथ होने का भी हमको इनपुट्स मिल रहा है, जैसे ड्रोन का विजुअल्स है और बाकी इंटेलिजेंस एजेंसी से इनपुट मिल रहा है। उसी अनुसार उनका काफ़ी तगड़ा नुकसान हुआ और कई लोग घायल होने का भी संभावना नक्सली की तरफ से, इसका हम तस्दीक करवा रहा है। एक मजबूती से लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा 17 जवान इसमें शहीद हो गए। फिर भी हम इस जंग से पीछे नहीं हटेगा, हम और मजबूती से इस इलाके में लगातार ऑपरेट करेंगे ताकि जो नक्सल के हार्डकोर क्षेत्र माना जा रहा है ये इलाका को हम नक्सल समस्या से मुक्त करने की पूरा कोशिश करेंगे। सर ये वेपन्स भी 17 जवानों का जो वेपन्स है उनमें से 2 वेपन्स रिकवर हो गए थे, बाकी वेपन्स का भी हम लोग और सर्चिंग कर रहे हैं। उसका भी लगातार अभी हमारा पार्टी अंदर सर्चिंग जारी है, उनमें 17 में से 2 वेपन अभी रिकवर हो गए। सर ये जैसा बुरकापाल और चिंतागोफा से DRG, STF और कोबरा का एक जॉइंट ऑपरेशन थे, इस पर 600 से अधिक हमारा बल थे। उसमें काफ़ी तगड़ा मुठभेड़ हुए थे, नक्सली का भी करीबन 250 के आसपास संख्या थे उनके साथ जो एक्सचेंज ऑफ फायर होते हैं मुठभेड़ हुए थे। इस पर सभी जो फॉर्मेशंस ने DRG और STF पर टोटल 5 अलग अलग टीम्स थे, उन्होंने बहुत मजबूती से इस लड़ाई को लड़ा है। हर टीम से मतलब 2 या 3 जवान घायल हुआ नहीं तो आज डेड बॉडी रिकवर किए गए थे। किसी एक पर्टिकुलर हमारा टीम को नक्सली द्वारा अलग कर उसका ओवरपावर नहीं कर पाए थे, ये सभी टीम्स ने एक साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। फिर भी अनफॉर्चुनेटली हमारा 15 लोग घायल हो गए थे और 17 लोग हमारा शहीद हो गए थे। DRG को पहली बार क्योंकि कोर इलाका है, इस पर लगातार हम लोग इस इलाके में ऑपरेट कर रहे थे। इस पर पूर्व में भी कभी भी इस इलाके में जाते थे, मतलब नक्सली द्वारा काफ़ी रेसिस्टेंस की जाती थी। इसके बावजूद भी हमारा एक योजना थी, मतलब इन क्षेत्र में जो नक्सली कैडर्स का जो पर्टिकुलरली जो PLGA फॉर्मेशन है उनके खिलाफ अपन को लड़ना थे, तभी ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ में ले जा पाए थे। उसी कारण से हम लोग लगातार इन क्षेत्र में ऑपरेट किए थे और पूर्व में सफलता भी प्राप्त हुआ, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली इस अभियान में हमको नुकसान इतना बड़ा।